और यहाँ पे मौका बन रहा था, लेकिन डायरेक्ट थ्रो होता था तो शायद मौका बन सकता था, लेकिन कोई चांस नहीं और कोई नुकसान नहीं टीम एनडीसीडीए को। बहुत ही बढ़िया वहाँ पे फील्डिंग निखिल की, और कोई मौका नहीं रन चुराने का। वहाँ पे कोशिश कर रहे थे रन चुराने की। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग यहाँ पे मौलिक की, और उतना ही साथ मिलता होगा, मिल रहा है उनको अपने प्लेयर्स द्वारा, अपने सारे फील्डर्स द्वारा। और यहाँ पे घुमा दिया, देखते हैं क्या होता है। और कोई मौका नहीं वहाँ पे, फील्डर मौजूद वहाँ पे, लेकिन गेंद थोड़ी आगे गिर गई, इसलिए एक रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। और एक रन का इजाफा उनके स्कोर में। और मौलिक इसी के लिए जाने जाते हैं, फर्स्ट ओवर पावर प्ले का जो वो डालते हैं, और काफ़ी बार विकेट चटकाते हैं। और साकेत धाकड़ बल्लेबाज है टीम एनडीसीडीए के, कई बार अपने टीम को उन्होंने जीत दिलाई है, काफ़ी स्कोर खड़ा किया है। देखते हैं आज साकेत अपने टीम के लिए क्या प्रदर्शन कर पाते हैं और कितना कंट्रीब्यूशन देते हैं। और वहाँ घुमाने की कोशिश, कोई मौका नहीं। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे गेंदबाजी का प्रदर्शन मौलिक द्वारा। और मैं एमएससीसी के जो प्लेयर्स हैं उनको गुजारिश करना चाहता हूँ, इधर आइए मेरे बाजू में, इधर सुनील कुमार है, निखिल महाजन। और यहाँ पे एक ओवर की समाप्ति, और एक ओवर, एक ओवर की समाप्ति के बाद में टीम का स्कोर। प्रतीक तू उधर स्कोर से बता दे जा। एक ओवर के बाद स्कोर हो चुका है 3 रन बिना कोई नुकसान के, काफी धीमा स्टार्ट हो चुका है। और ये मैच का आनंद उठाने के लिए हमारे साथ में मौजूद है गुरु नानक एजेंसी की तरफ से, गुरु नानक एजेंसी के ओनर, और मैं उनका यहाँ पे स्वागत करता हूँ सर CSPL के ये मंच पर। और अभी दूसरा ओवर लेकर आए हैं श्री देशमुख, फास्ट बॉलर के रूप में जाने जाते हैं, बहुत ही उमदा गेंदबाजी करते हैं और काफ़ी विकेट चटकाते हैं, अपने टीम के लिए काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन करके देते हैं श्री। और सामना करेंगे साकेत, ये पावर प्ले का दूसरा ओवर, बैट लेके जाते हुए टीम के कैप्टन सुगंध। और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे पहला ओवर गया, एक ओवर 3 रन। इसी तरीके से गेंदबाजी की एक्सपेक्टेशन रखते होंगे उनके कैप्टन, उनके सारे बॉलर के तरफ से, और एनडीसीडी के कैप्टन भी उनके अपने बैट्समैन के तरफ से एक्सपेक्टेड होंगे रन, उनको भी अपने बैटर के तरफ से। अगली गेंद श्री की, और यहाँ पे बहुत बड़ी अपील, लेकिन कोई प्रेशर नहीं अंपायर के ऊपर, बहुत ही बढ़िया डिसीजन उनका, और कोई मौका नहीं, और मारने में चूक गए, और कोई रन का इजाफा नहीं यहाँ पे। और इसी के साथ में डॉट बॉल,
और यहाँ पे घुमाने की कोशिश वहाँ पे, लेकिन कोई मौका नहीं, वहाँ फील्डर मौजूद और बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहाँ पे पंकज तुले द्वारा, और एक रन पे ही संतुष्ट रहना पड़ेगा साकेत को। और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का उमदा प्रदर्शन यहाँ पे श्री देशमुख द्वारा। पवन अभी रेडी है, अगला गेंद का सामना करेंगे पवन। और वहां पे घुमा दिया, कोई मौका नहीं और गेंद बाउंड्री की तरफ जाती हुई सीधे चार रन के लिए। और ये सीएसपीएल चौका पवन के बैट से निकलता हुआ, और वहां पे कोई मौका नहीं, वहां पे मंगेश बोंद्रे प्रेजेंट थे लेकिन मंगेश बोंद्रे के हाथ में कोई चांस नहीं था, और सीधी गेंद बाउंड्री की तरफ जाती हुई सीधा चार रन। बहुत बढ़िया अपील यहाँ पे, पवन देशमुख इसी के लिए जाने जाते हैं अपील के लिए, लेकिन अंपायर वहाँ पे चुस्त अंपायर यहाँ पे हमने लाए हैं सीएसपीएल में, उनके ऊपर वो सही डिसीजन दे रहे, तो कोई मौका नहीं वहाँ पे। और यहाँ पे घुमा दिया पवन ने, देखते फील्डर मौजूद, और आसानी से बहुत ही बढ़िया कैच यहाँ पे मंगेश ने लपक लिया उस कैच को। मंगेश बहुत ही अच्छे फील्डर जो सभी तरफ फील्डिंग करते रहते हैं, पूरे ग्राउंड पर उनके फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं मंगेश, और बहुत ही बढ़िया यहां से आसानी से कैच लपक लिया वहां पे। और इसी के साथ में यहां पे पहला विकेट का पतन टीम एनडीसीडीए का, और अभी कमान संभालने जा रहे हैं जितेंद्र सुगन जो टीम के कैप्टन, एनडीसीडीए के कैप्टन, बहुत ही बढ़िया कैप्टनशिप करते हैं एनडीसीडीए के लिए। लेकिन उतनी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे श्री की, श्री ने बहुत ही बढ़िया विकेट लपका, मेन इंपॉर्टेंट विकेट, और इसी के साथ में ओपनर प्लेयर को पवेलियन भेज दिया। नए बल्लेबाज जितेंद्र सुगन, और सामना करेंगे साकेत श्री देशमुख। और घुमा दिया, कोई मौका नहीं वहां पे, और गेंद सीधी छह रन के लिए, अंपायर का इशारा छह रन। बहुत ही बढ़िया उमदा यहां पे बैटिंग का प्रदर्शन दिखाते हुए साकेत, और इसी के साथ में बहुत ही अच्छा ओवर यहाँ पे, अगर ये अगर शॉट माइनस करते तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखाया श्री देशमुख ने। और इसी के साथ में दो पावर प्ले के जो ओवर थे खत्म हो गए, देखते उनके कैप्टन दीपक किसको लगाते अभी बॉलिंग के लिए। और दोनों धाकड़ बल्लेबाज यहाँ पे पिच पे मौजूद है, दो जो काफी समय से उन्होंने 14 रन एक विकेट के नुकसान पे, दो ओवर के समाप्ति के बाद में 14 रन टीम एनडीसीडी का स्कोर, और काफी अच्छा स्कोर माना जाएगा इसको, लेकिन उतनी अच्छी गेंदबाजी। बॉलर नेम नितिन शंबरकर, सॉरी निखिल ठाकरे। बहुत ही बढ़िया बॉल था यहाँ पे, कोई मौका नहीं दिया सुगंध को निखिल ने, और निखिल अपना पहला सीएसपीएल खेलते हुए टीम जीकेआर के तरफ से, इस साल उनकी एंट्री हुई है टीम जीकेआर के अंदर में। और विकेट के पीछे पवन देशमुख तैयार है, बहुत ही बढ़िया गेंद यहाँ पे निखिल की, कोई मौका नहीं वहाँ पे, आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद थी।
और एक डॉट बॉल, कोई मौका नहीं उनके पास में। बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखाते हैं टीम जीकेआर के बॉलर, और वहां पे पंकज तुले हौसला बढ़ाते हुए बैट्स बॉलर का, काफी अच्छा एक्सपीरियंस है उनको पवन पंकज तुले को। और यहाँ पे रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन कोई मौका नहीं, पूरी तरह से बीट कर रहे हैं बैट्समैन को निखिल। अभी तक चारों गेंदे डॉट आ चुके हैं। काफी सुंदर बॉलिंग का प्रदर्शन, यहां समझ नहीं पा रहे हैं जितेंद्र कैसे बॉल आ रही है और कैसे निकल जा रही है। 5 के 5 गेंदे डॉट, प्रेशर बिल्डअप होता हुआ जितेंद्र के ऊपर और उसी पे हावी होते हुए निखिल। फिर से वही शॉट और वही रिजल्ट, 6 के 6 गेंदे डॉट और ये मेडन ओवर, कोई रन नहीं। इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर हो चुका है 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर एनडीसीडीए का। काफी सुंदर ओवर था निखिल का। और अपना एंड चेंज करके मौलिक आते हुए वापस स्वयं का दूसरा और टीम के लिए 4th ओवर लेकर। दोपहर का समय है, पोस्ट लंच ये मैच, काफी अल्लाली छाई हुई ग्राउंड पे। सामना करेंगे साकेत मौलिक का, और घुमाने का प्रयास लेकिन इन स्विंग होती हुई गेंद, कोई चांस नहीं साकेत के पास, सीधा पवन दादा के हाथ में और उसी तरह गोल्डन स्माइल देते हुए पवन दादा। अगली गेंद मौलिक की, सामना करेंगे साकेत। फिर से घुमाने का प्रयास लेकिन बल्ले पे लगी नहीं, 1 रन चुरा लिया। दोनों बल्लेबाज थोड़े हक्के बक्के स्ट्राइक रोटेट करने की आवश्यकता, जिससे मोमेंटम बिल्डअप हो थोड़ा। दोनों एंड से काफी सुंदर बॉलर्स। घुमाने का प्रयास लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ की तरफ, फील्डर मौजूद, केवल 1 ही रन प्राप्त होगा जितेंद्र को। धीरे धीरे बढ़ता हुआ स्कोर, और ये उठा दिया है बाउंड्री के पार और एम्पायर का इशारा, 6 रन। साकेत अपने फॉर्म पे आते हुए, देखते क्या करते हैं आगे। मौलिक की अगली गेंद, और बढ़िया पॉइंट की और गली के बीच से एक गैप बनाया और शानदार चौका। अपना गियर चेंज कर चुके हैं साकेत। पिछले ओवर का पूरा खामियाजा निकाल लिया इन्होंने। आखिरी गेंद,
और मिस टाइम किया, लेकिन कोई दूर नहीं, हमारे पंकज साहब वहाँ मौजूद, जो कहीं पे भी पहुँच जाते हैं लॉन्ग ऑन से सीधा गली की तरफ दौड़ लेते हो कभी कभी। तो चार ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 27 रन एक विकेट के नुकसान पे। पर डाला था इसके पहले उन्होंने, देखते हैं अब कितना हावी होते हैं साकेत पर, जो कि अपना रुद्र रूप धारण कर चुके हैं। और ये काफी बाहर जाता हुआ बॉल सीधा बाउंड्री के पार, छह रन। काफी सुंदर कैप्चर किया हमारे कैमरामैन प्रताप ने ये बॉल। फिर से घुमाने का प्रयास, लेकिन थोड़ा सा निखिल भी वापस आते हुए फॉर्म में, स्टंप के ऊपर से जाते हुए गेंद, एम्पायर का इशारा, डॉट बॉल। काफी धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए साकेत, और ए गुड लेंथ और निक हो गया और क्लिक हो गया। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे क्या चुंदा कैच पकड़ा पवन देशमुख ने, अभी भी बढ़िया यहाँ पे प्रदर्शन दिखाया उन्होंने कैच पकड़ के कि अभी भी उनमें जवानी बाकी है। और स्ट्राइक पर आए हैं अब राजेश, फील्डिंग का मुआयना करते हुए, देखते हैं पहले से आक्रमण करते हैं या थोड़ा संभल के खेलेंगे, क्योंकि निखिल काफी अच्छी बॉलिंग करते हुए, पहला ही सीजन है उनका, लेकिन काफी असरदार बॉलिंग। और ब्लॉक हॉल में सीधी गेंद, सीधा आके दबाव बनाना चाहते हैं बल्लेबाज पर, काफी सुंदर गेंद निखिल की, राजेश को पता ही नहीं चला कब गेंद हाथ से छूटी और उनके पैर पे आके लगी। अगली गेंद निखिल की, सामना करेंगे राजेश, और ये शॉर्ट पिच गेंद, लेकिन गैप में गई और प्राप्त हुए चार रन।
और एक लो फुल टॉस को फ्लिक किया, फील्डर मौजूद हमारे मंगेश भाऊ, उनके हाथ से तो कभी बॉल छूटे हमने देखे नहीं। इसी के साथ पांच ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो चुका है 38 रन दो विकेट के नुकसान पर। और ड्रिंक्स ब्रेक, 5 मिनट का ड्रिंक ब्रेक, काफी गर्मी है, ड्रिंक्स की तो जरूरत पड़ेगी ही। टीम एनडीसीडीए का स्कोर हुआ है 38 रन दो विकेट के नुकसान पे, और छठवां ओवर लेकर आए हैं शाहबाज, जो बहुत ही जाने माने प्लेयर है टीम जीकेआर के, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उतनी अच्छी बैटिंग का प्रदर्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। राजेश और एक मिनट सुगंध, यहाँ पे बाल बाल बच गए, वहाँ पे कोई मौका नहीं बैट्समैन के पास में। बहुत ही अच्छी गेंद का प्रदर्शन यहाँ पे, और पवन देशमुख ने बहुत ही बढ़िया कलेक्ट किया और कोई रन नहीं वहाँ पे। और यहाँ पे मौका बन रहा था कैच का, लेकिन कैच वहां पे ड्रॉप हो गई, थोड़ा सा दूर रह गई, पहुंच नहीं पाए पवन। और इसी के साथ में एक रन का इजाफा टीम एनडी सीडीए के स्कोर में। फील्ड में बदलाव, थोड़ा पंकज तुले को ऑफ साइड में लाया गया। बहुत ही बढ़िया गेंद वहां पे, कोई रन नहीं। और लॉन्ग ऑन की दिशा में एक बहुत ही बड़ी आसानी से एक रन चुरा लिया वो, जब तक फील्डर फील्ड करते। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे गेंदबाजी का प्रदर्शन शाहबाज द्वारा,
पूरा बांध के रखा है टीम जीकेआर के बॉलर्स ने। कोई मौका नहीं वहां पे, यहां पे और एक डॉट बॉल। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन और अगर टीम इंडिसीडीए को स्कोर खड़ा करना है तो यहां से रन की गति बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। और यहां पे घुमा दिया, देखता क्या होता है, फील्डर वहां पे मौजूद और वहां पे मिसफील्ड और यहां पे एक रनआउट का मौका था और डायरेक्ट थ्रो मारने की कोशिश की थी उन्होंने शहबाज ने, लेकिन वहां पे कोई चांस नहीं उनको और इसी के साथ में कोई नुकसान नहीं टीम एनडीसीडीए का और इसी के साथ में ओवर की समाप्ति। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 6 ओवर के बाद स्कोर हो चुका है 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और राजेश तांदुलकर अपने वैयक्तिक 8 रन पे खेल रहे हैं और जितेंद्र सुगन जो 9 बॉल का सामना किया है और 2 रन बनाए उन्होंने। यहाँ पे दोनों बैट्समैन को अपना बैटिंग का प्रदर्शन दिखाने की जरूरत है और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का उनका प्रदर्शन यहाँ पे टीम जीकेआर द्वारा, जिन्होंने 6 ओवर में 2 विकेट लपक कर 42 रन दिए है ओनली, 7 का रन रेट यहाँ पे। और इसी के साथ अगर ऐसे ही चलता रहा तो 10 ओवर में 70 के आसपास में रन हो सकते हैं, लेकिन रनों की गति बढ़ाने की जरूरत क्योंकि ये ग्राउंड पे काफी रन बनते हैं। लेकिन बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन जीकेआर द्वारा, पूरी तरह से बांध के रखा है दोनों बैट्समैन को। और पंकज तुले अपनी साइड चेंज करते हुए, और यहां पे घुमा दिया, देखते हैं क्या होता है और सीधा बाउंड्री के बाहर और अंपायर का इशारा 6 रन। पंकज बाबरे जो काफी बहुत ही बढ़िया बॉलर है टीम के, लेकिन पहली बॉल पे 6 रन और इसी तरीके से गेंदबाजी का एक्सपेक्टेशन करते होंगे पूरी टीम एनडीसीडीए सुगंध की तरफ से। और यहाँ पे फिर से घुमाया है, देखता है वहां पे फील्डर मौजूद और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे कैच लपक लिया तो पंकज बाबरे भी खुश हो गए होंगे क्योंकि एक छक्का पड़ने के बाद में फिर से उन्होंने दूसरी गेंद पे अपने विकेट लपक लिया।
और एक रन का इजाफा, एक रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया गेंद यहाँ पे नो प्लस एक पंकज की, नो बॉल। फील्डर वहां उसके पीछे राज, और सीधा बाउंड्री की तरफ जाती हुई गेंद। चार रन के लिए पूरा ट्राई किया था राज ने, अपने आप को झोंक दिया था बाउंड्री के ऊपर में, लेकिन कोई मौका नहीं उनके पास में। राज इसी के लिए जाने जाते हैं, बहुत ही बढ़िया फील्डर है राज, लेकिन यहां पे उनको वो सक्सेस मिल नहीं पाया, रोक नहीं पाए गेंद को। और अगली गेंद पंकज की, और फिर से उसी टाइप की गेंद, और कोई मौका नहीं वहां पे राजेश के पास में। बीट किया राजेश तांदुलकर को पंकज ने, और इसी के साथ में ओवर की समाप्ति। और सात ओवर की समाप्ति के बाद में टीम का NDCDA का स्कोर हो गया 60 रन 6-0, तीन विकेट की नुकसान पे। और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे गेंदबाजी जो पंकज बाबरे ने अभी अभी ओवर ख़त्म किया, बहुत ही थोड़ा बड़ा ओवर गया उनके तरफ से, लेकिन अभी NDCDA को यहाँ से तीन ओवर में देखते हैं NDCDA अपने के प्लेयर जो कितना अपने और रन जोड़ पाते हैं अपने टीम के लिए। अगर 40 रन जोड़ते यहाँ से तो 100 रन हो जाएंगे, 30 जोड़ते तो 90 हो जाएंगे, और 20 जोड़ते तो 80 हो जाएंगे। अभी उनके हाथ में है खेलना, किस तरीके से वो स्ट्रैटेजी बना के खेलते हैं अगले तीन ओवर। और टीम GKR के बॉलर हुंदे बॉलर शाहबाज खान अपना वैयक्तिक दूसरा ओवर लेकर, और टीम के लिए 8वां ओवर। और सोनू अशरफ यहाँ पे रेडी, सामना करेंगे सोनू, और फील्ड सजाते हुए कैप्टन टीम GKR के कैप्टन। यार 60 रन हुए ना, 60 हुआ ना, 60 रन्स। थोड़ा कंफ्यूजन था वहां पे पवन को, लेकिन आई थिंक कंफ्यूजन क्लियर हो गया। तो इसी के साथ में NDCDA 1 का स्कोर 60 रन, शायद भूल गए थे वो कैलकुलेशन कर रहे होंगे। और उतने अच्छे यहाँ पे स्कोरर बैठे हैं, तो कोई चिंता करने की कोई बात नहीं पवन, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर कीपिंग। जो भी अभी बहुत ही बढ़िया कीपिंग का आपने प्रदर्शन दिखाया है। कोई मौका नहीं वहां पे बैट्समैन के पास में। शाहबाज बहुत ही बढ़िया बॉलर टीम GKR के लिए, काफी टाइट बॉलिंग का प्रदर्शन यहाँ पे, कसी हुई गेंदबाजी शाहबाज द्वारा। और यहाँ पे और एक विकेट का पतन, बहुत ही आसान कैच यहाँ पे, आसानी से वो कैच को लपक गया, और एक और विकेट जाती हुई NDCDA की सोनू अशरफ के रूप में। फील्डर नेम कैच किसने पकड़ा? निखिल ठाकरे। और
अभी पिच पर जाते हुए ग्राउंड के अंदर में जय बारापात्रे जी, जो काफी सीनियर प्लेयर है टीम एनडीसीडी के, कई बार इन्होंने अपने टीम को यहां से निकाला है, दुखती हुई नैया को उन्होंने ऊपर लाया है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके बल्ले से अभी आज रन निकल सकते हैं, क्योंकि दोनों धाकड़ बल्लेबाज अभी ग्राउंड पे मौजूद और दोनों की पेयर जानी जाती है जय और वीरू के नाम से। काफी सालों से टीम एनडीसीडी के लिए अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे दोनों प्लेयर, देखते हैं अपने शाहबाज अपने बॉलिंग में क्या कमल दिखा पाते या नहीं। अभी बहुत ही गेंद, वहां पे गेंद को समझ नहीं पाया जय पारापत्रे, और कोई बैट और बॉल का संबंध नहीं, और इसी के साथ में और एक डॉट गेंद। ब्लॉक होल में गेंद डालने की कोशिश की थी, एक रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा जय बारापत्रे जी को और उनकी टीम को, और एक रन का इजाफा। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी शाहबाज द्वारा, और अपना दूसरा ओवर, वो दूसरे ओवर की चार गेंदे, दो गेंदे बाकी है अभी, फिर सामना करेंगे राजेश। सिंगल से संतुष्ट रहना पड़ेगा कि कोई मौका नहीं दे रहे शाहबाज खुलकर खेलने के लिए, बाउंड्री मारने के लिए। इसी के साथ में और एक रन का इजाफा टीम एनडीसीडीए के स्कोर में। कोशिश तो जरूर कर रहे दोनों बैट्समैन, राजेश जो अपने वैयक्तिक 12 रन के स्कोर पर खेल रहे हैं। और वहां घुमाने की कोशिश, लेकिन बाउंड्री की तरफ जाती हुई गेंद और ऑफ फील्डर मौजूद, और एक ही रन यहां पे निकल पाया, और इसी के साथ में 8 ओवर की समाप्ति। और 8 ओवर के समाप्ति के बाद में टीम एनडीसीडी का स्कोर 63 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बैटिंग पावर प्ले, और अभी बैटिंग पावर प्ले लिया है टीम एनडीसीडीए ने, देखते अभी ये ओवर में क्या कमल कर पाते हैं। जनरली पावर प्ले का ओवर में रन निकलते हैं और कभी कभी विकेट भी जाते हैं, ये दोनों चीजें होती है, तो किसके फेवर में जाता है देखते हैं, इधर जीकेआर के फेवर में जाता है ये ओवर या टीम एनडीसीडीए के फेवर में जाता है, थोड़ा समय के बाद में पता चल जाएगा 6 गेंदों के बाद में। और बॉलर जो लेकर आए और श्री, और अपना वैयक्तिक सेकंड ओवर लेकर आए श्री, और गेंद बाउंड्री की तरफ जाती हुई, कोई मौका नहीं वहां पे 4 रन के लिए, और इसी के साथ में पहली बॉल पे बेनिफिट उठाते हुए जय बारापात्रे। पावर प्ले का ओवर, अभी अभी मैंने बोला था कि देखते हैं किसके पाले में जाता है, किसके फेवर में जाता है ये ओवर, समय ही बताएगा। अभी और 5 गेंदें बाकी है, वहाँ पे कोई मौका नहीं, सीधा फील्डर के ऊपर से उन्होंने घुमा दिया था ऑफ साइड में, और इसी के साथ में 4 रन का इजाफा। और फिर से घुमा दिया वहां पे, और अंपायर का इशारा 6 रन के लिए। जय बारापात्रे अपने पूरे मूड में आते हुए, पूरे फॉर्म में आते हुए, और अपना फॉर्म दिखाते हुए कि किस तरीके के वो बैट्समैन है। मैंने अभी भी बोला था कि दोनों जो प्लेयर है काफी धाकड़ बल्लेबाज पिच पे मौजूद अभी, और यहाँ पे रनों की जरूरत है टीम एनडीसीडीए को, लेकिन उतनी अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पे दिखाया टीम जीकेआर ने। और अभी भी 4 गेंदे बाकी है पावर प्ले के ओवर के, और श्री बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, उनको पता है कि हाउ टू कम बैक, ही नोज वेरी वेल। सो देखते हैं अभी अगली गेंद सामना करेंगे जय।
फिर से घुमाने की कोशिश उसी दिशा में, लेकिन कोई मौका नहीं यहां पे। और इसी के साथ में डॉट गेंद, बहुत ही अच्छा कमबैक किया श्री ने दो गेंदों के बाद में। और इसी तरीके का एक्सपेक्टेशन रखते होंगे टीम के कैप्टन दीपक और पूरी टीम, और हौसला बढ़ाते हुए बैट्समैन का, बॉलर का। और फिर से घुमा दिया, देखते हैं वहां पे फील्डर मौजूद, और यहां पे कैच ड्रॉप कर लिया। बहुत ही आसानी से यहां पे कैच आई थी, लेकिन वो मौका गवा दिया है नितिन शंभरकर ने, वो कैच छोड़ दिया। और वहां पे उनके बाजू में राज भी मौजूद थे, लेकिन दोनों को कोई मौका नहीं, यहां पे मौका गवा दिया है। जो जय बारापात्रे बहुत ही अच्छी बैटिंग का प्रदर्शन दिखा रहे थे, और यहां पे एक विकेट का नुकसान होता हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। अगली गेंद श्री की और राजेश तांदुलकर खेलने के लिए तैयार। और यहां पे घुमा दिया है, फील्डर वहां पे मौजूद है पंकज बाबरे, और उन्होंने फील्ड को, सॉरी बॉल को फील्ड कर लिया, और आसानी से एक रन वहां पे कंप्लीट कर लिया। तब तक बहुत ही बढ़िया ओवर यहां पे, काफी दो चारों गेंदे उन्होंने, तीन गेंदे जो डाली है, काफी अच्छा कमबैक किया है दो गेंदों के बाद में, पहले दो गेंद के बाद। और जय बारापात्रे ने फिर से घुमा दिया उसी दिशा में, फील्डर मौजूद, और यहां पे और एक कैच ड्रॉप होता हुआ कैप्टन दीपक द्वारा। ऐसा कभी होता नहीं दीपक के द्वारा, लेकिन यहां पे दो दो कैच छोड़ा श्री देशमुख के ये ओवर में। काफी अच्छा ओवर माना जाएगा दोनों साइड से, पावर प्ले का ओवर था। और इसी के साथ में ओवर की समाप्ति, और एक मिनट, नौ ओवर की समाप्ति के बाद में 76 रन टीम एनडीसीडी का स्कोर, जो 8.44 का रन रेट के हिसाब से चल रहे हैं। और अभी दसवां ओवर, आखिरी ओवर लेकर आएंगे शाहबाज, देखते हैं ये आखिरी ओवर में टीम एनडीसीडी कितना रन जोड़ पाती अपने टीम के लिए। 76 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट इन 9 ओवर। कोई मौका नहीं वहां पे जय बारापात्रे जी को दे रहे हैं शाहबाज, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। अभी अगली 5 गेंदों में टीम एनडीसीडीए क्या कमाल दिखाती, लेट अस सी। बहुत ही बढ़िया गेंद, काफी अच्छी गेंदबाजी शाहबाज की, और जब तक गेंद को समझ पाते गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में चली जाती है। फील्डर वहां पे मौजूद, बहुत ही चुस्त फील्डर यहां पे मौजूद है पंकज बाबरे जी, पूरा ग्राउंड कवर करते हैं। अभी भी उनका फिटनेस जबरदस्त है, और इसी के साथ में उन्होंने सिर्फ एक रन दिया है। अगली गेंद शाहबाज की, और सामना करेंगे राजेश। और वहां पे घुमा दिया, वहां पे कोई फील्डर मौजूद नहीं, और एक रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा।
फील्डर वहां पे मौजूद, एक रन ही देना, एक रन का इजाफा वहां पे सिर्फ, श्री देशमुख वहां पे मौजूद पूरी तरह से लास्ट ओवर में उन्होंने बांध के रखा है दोनों बैट्समैन को, सिंगल सिंगल रन से संतुष्ट रहना पड़ रहा है। और आखिरी गेंद डॉट गेंद के रूप में, और इसी के साथ में 10 ओवर समाप्त हो गए। और 10 ओवर के बाद में टीम एनडीसीडी का स्कोर 79 रन, और जीत के लिए टीम जीकेआर को 80 रनों की जरूरत है। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे उनका गेंदबाजी का प्रदर्शन टीम जीकेआर द्वारा। देखते अभी टीम एनडीसीडी ये रन बचा पाती है या नहीं, और किस तरीके से बैटिंग का प्रदर्शन दिखता है टीम जीकेआर की तरफ से, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और पांच या दस मिनट में सेकंड इनिंग स्टार्ट हो जाएगी। टीम एनडीसीडीए के सारे जो फील्डर है उनको मैं प्लेयर से उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्दी से जल्दी अपना फील्ड सजाइए। और हमारे ये मैच का आनंद उठाने के लिए मंच पर मौजूद है गुरु नानक एजेंसी के ओनर मिस्टर जगदीश जी, और मैं उनका स्वागत यहाँ पे करना चाहता हूँ। बहुत ही बड़ी मैच देखने के लिए यहाँ पे आए हैं दोनों तगड़ी टीमें। मैं बॉल बैटिंग टीम से अभी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो बॉल सिलेक्ट करने आ जाए। बॉल सिलेक्ट करने के लिए दो लोग जो भी एक्सपर्ट लोग हैं आ जाइए जल्दी से जल्दी अंपायर के पास में। और आज CSPL सीजन 2 का दूसरा दिन, बैटिंग टीम इसके बाद में ये मैच के बाद में तीन मैचेस होना है, MSCDA वर्सेस NOCC, MRF वर्सेस तारा फार्मा शील्ड एंड FTR वर्सेस तारा फार्मा एवेंजर्स। बैटिंग टीम वो बैटिंग पे आएंगे तब शायद सिलेक्ट करेंगे वो बॉल, तो थोड़ा सा रुक जाइए आ जाएंगे। और CSPL सीजन 2 के हमारे सारे स्पॉन्सर जो उनका मैं यहां से तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं, विवेक हॉस्पिटल, गिल्लुरकर हॉस्पिटल, श्रीराम सर्जिकल, इंसेप्शन केयर, गुरु नानक एजेंसीज। बैट्समैन बॉल सिलेक्ट कर लिए, बैट्समैन गाड़ी से है कि कार से है, टू व्हीलर से है, हाथ ठंडे आदमी ठंडा हो गया यार, धूप इतनी तेज है तो गुरु नानक एजेंसी चे मालक श्री जगदीश काचेला साहेब आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत, मी त्यांचं मनापासून स्वागत करतो। जी क्या जी क्या
शाहबाज के साथ बैट्समैन नेम आमचे धडाडीचे कार्यकर्ता राहुल पाटील यांच्या तोंडून दोन सुगंधित शब्द ऐकायची इच्छा आहे. राहुल पाटील मातोश्री फाउंडेशन आणि माध्यम लोकसेवा प्रतिष्ठान यांच्यातर्फे CSPL2 छत्रपती शिवाजी प्रीमियर लीग टूर्नामेंट रात्रंदिवस हा आजचा हा पाचवा सामना आपल्याकडे सुरू आहे. आपण आनंद घेत आहात त्या सामन्याचा. हा जो सामना सुरू आहे तो GKR वर्सेस NDCD आहे. बॉलर नेम थँक्यू शेबाज स्ट्रायकर शेबाज. दो धाकड़ बल्लेबाज GKR के तरफ से मिस्टर शेबू और श्री और अनुभवी गेंदबाज मिस्टर राजेश तांदुलकर पहली बॉल का आगाज करते हुए इसी के साथ घुमा दिया 4 रन के लिए अमित तिगरे ओ राजेश कंफ्यूज कर मेरे को भी लगा राजेश लिया. 80 रनों की जरूरत GKR टीम को. फिर से उठा दिया है सीधा फील्डर के हाथ में और कैच ड्रॉप हो गया है. काफी महंगा विकेट साबित हो सकता है ये NDCDA के लिए बट ठीक ठाक फील्डिंग थी. सर दोनों लोग कर रहे थे ना बच्चे बात कर रहे हो मौका मिलता है कभी अपने करते नहीं. और यहाँ पे घुमा दिया फील्डर वहां पे मौजूद और एक बार फिर से मौका गवा दिया टीम यहाँ पे फील्डर ने टीम NDCDA के. और इस तरीके के अगर कैचेस छोड़ते रहेंगे तो मुश्किल हो सकता है टीम NDCDA के लिए क्योंकि शाहबाज इस तरीके के प्लेयर है जाने जाते हैं अपने बैटिंग के लिए बहुत ही बढ़िया उमदा प्रदर्शन करते हैं. और इसी के साथ में कोई नुकसान नहीं टीम GKR को और यहाँ पे एक रन का इजाफा. बहुत ही बढ़िया बॉलिंग का प्रदर्शन यहाँ पे दिखाते हुए अमित अब नपी तुपी गेंदबाजी यहाँ पे कर रहे बहुत मेहनत कर रहे अपने टीम के लिए NDCDA के लिए लेकिन उनको साथ नहीं मिल रहा फील्डर का उनको साथ देना पड़े फील्डर का. और यहाँ पे शाहनवाज का आगाज होते हुए वेलकम शाहनवाज और अगली मैच टीम NOCC के लिए तैयार शाहनवाज. अगली गेंद का सामना करेंगे श्री देशमुख. और वहाँ पे घुमाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कोई मौका नहीं वहाँ पे चूक गए श्री. बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे अमित की और टीम NDCDA के कैप्टन अपने सारे फील्डर का हौसला बढ़ाते हुए. मातोश्री फाउंडेशन के डायरेक्टर प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर ललित पठारे बहुत अच्छे तरह से शो को मैनेज कर रहे हैं. साथ में पारस कड़म्बे राहुल पाटिल प्रकाश झंझार सर मैं आप सब लोगों को बता रहा था शेयर कर रहा था कि मातोश्री फाउंडेशन और माध्यम लोकसेवा प्रतिष्ठान के ओर से ये टूर्नामेंट खेला कराया जा रहा है.
वाह बहुत ही बढ़िया गेंद, यहाँ पे कोई मौका नहीं दिया और सीधा प्लेस करना पड़ा श्री को, और इतना अच्छा सम्मान दिया श्री ने बॉलर को, और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे, काफी टाइट बॉलिंग का प्रदर्शन दिखाते हुए यहाँ पे टीम एनडीसीटी के अमित, और एक ओवर की समाप्ति, और इस एक ओवर के समाप्ति के बाद में टीम का स्कोर हो गया टीम जीकेआर का 6 रन, एक ओवर की समाप्ति के बाद में 6 रन और कोई नुकसान नहीं, और इसी तरीके से बैटिंग का प्रदर्शन दिखाना पड़ेगा टीम जीकेआर को अगर जीतना है मैच, तो उनको अभी रन रेट 8.22 के रन रेट से रन निकालना है 74 रन 54 बॉल में, और दिखने में तो काफी आसान है लक्ष्य, लेकिन यहाँ पे टीम एनडीसीडी को उतनी अच्छी गेंदबाजी करने की जरूरत है, लेकिन टीम जीकेआर के पास में काफी बैट्समैन, पूरे 11 के 11 बैट्समैन है उनके पास में, देखते क्या कमाल कर पाते ये ओपनिंग जोड़ी जिन्होंने टीम अभी एनसीपीएल जो चल रहा है वहां पे भी बहुत ही बढ़िया उमदा प्रदर्शन दिखाया था दोनों बैट्समैन ने, और उस तरीके का ये बैटिंग का प्रदर्शन यहाँ पे एक्सपेक्टेड कर रहे होंगे उनके टीम के कैप्टन दीपक, और बैट चेंज करते हुए, और राज उनके धाकड़ फील्डर है जो अभी अभी गिर गए थे में, बैट चेंज करने के लिए आए थे देशमुख खेलने के लिए, और यहाँ पे घुमा दिया फील्डर वहां पे मौजूद, और सीधी गेंद बाउंड्री के बाहर, और 6 रन का यहाँ पे इशारा, गेंद के नीचे थे, बहुत ही शानदार आघात किया, स्वागत किया छक्के के साथ, बहुत ही पैसे मीटर का छक्का लगा चुके हैं, 12 रन बन चुके हैं फिर से गेंद को उठा दिया, और निश्चित तौर पर फिर से लगातार 79 मीटर का छक्का लगा चुके, फिर से दूसरा लगातार, और काफी महंगे साबित होते हुए जीत के लिए गिरी भाई, वाह जैसे छक्के लग चुके हैं, वाह ज्यादा लक्ष्य बड़ा नहीं है जीकेआर की बैटिंग, आहा नहीं 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 रे नहीं नहीं, बहुत ही कॉटन, इसी के साथ इसकी पारी समाप्त, लगातार छक्के मारने की कोशिश कर रहे थे, और मेरे साथी कमेंटेटर ने कहा कि इनके पास 11 के 11 बल्लेबाज है, ऐसी एकमात्र टीम है जिनके पास 11 के 11 बल्लेबाज है, आप कैसी टीम होगी जीकेआर की, न्यू बैट्समैन नेम प्लीज कन्वे योर बैट्समैन नेम, दीपक सिंह, फील्डर नेम भाई, टीम के कैप्टन दीपक सिंह, दीपक सिंह ने बहुत शानदार कैच लिया बिल्कुल बाउंड्री के समीप, आपको बैट्समैन का नाम दीपक सिंह है जो अभी आ रहे हैं खेलने के लिए, और जो कैच लिया है उनका नाम है सौरभ जैन, हरडे जी सौरभ जैन इज अ फील्डर जिन्होंने अभी बहुत ही शानदार कैच पकड़ा है, टकाटक करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, दूसरा ओवर चलता हुआ पूरी तरह से पावर प्ले का फायदा उठा रहे बल्लेबाज, धूप लग रही है यहां पर, वैसे आउट दूसरी विकेट इसी ओवर में, बहुत ही शानदार बल्ले का बाहरी किनार लिया, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, और दूसरा विकेट का पतन हुआ, दूसरा झटका मिलता हुआ जीकेआर को, दिल्ली का नाइट राइडर्स की टीम काफी शक्तिशाली टीम है, नेम 18
पानी ते कुठे गेली पाण्याची बॉटल माइक माइक चालू आहे एकच आहे ते माइक चालू आहे अजून पडेगी माइक हो माइक हो वाका माइक ले लो ना उनके पास खाली ही पड़ा चालू आहे मी क्या हुआ हार्डी जी दो विकेट का पतन हो चुका है। शानदार गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए पावर प्ले के अंदर दो विकेट हासिल करना बहुत बड़ी कामयाबी है बॉलर के लिए। एक ही ओवर में दो सफलता हासिल की, भले तीन छक्के लग चुके थे इस ओवर में, महंगे साबित हुए, लेकिन दो विकेट चटका चुके अपने टीम के लिए। बॉलर नेम प्लीज कन्वे योर बॉलर नेम। सोच से सितारे बदलते, नजर से नजारे बदलते मेरे दोस्त, कश्ती बदलने की जरूरत नहीं, दिशाएं बदल दो, किनारे अपने आप बदल जाएंगे, किनारे अपने आप बदल जाएंगे। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होनी चाहिए। अब किसका हौसला बुलंद है देखना पड़ेगा, या जी के आर के, क्योंकि मुझे कहा गया है कि 11 के 11 बल्लेबाज है, पर जब ऐसी कुछ अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो 11 के 11 क्या 12 भी काम नहीं आ पाते हैं। इसी के साथ ये पावर प्ले खत्म हो चुका है। अभी हमारे सामने वाले छोर की तरफ से यानी रेशिमबाग जिमखाना की तरफ से लेफ्ट आर्म बहुत ही शानदार डीप स्क्वायर लेकर तरफ चार रन सीमा रेखा की ओर जाती हुई गेंद, कोई मौका नहीं था, अच्छा प्रयास किया वहां पर उन्होंने, अच्छी कोशिश की। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और लॉर्स डरकर नौका पार नहीं होती। बहुत ही शानदार यहाँ चौका पार होता है, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई, बहुत ही शानदार खेल खेलते हुए काफी टन बिल्कुल जी के आर के बल्लेबाज। दो विकेट आउट होने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उनको, क्योंकि रन 80 रन बनाना है इस मुकाबले को जीतने के लिए। बहुत ही शानदार आयोजन अपना जो कि मातुश्री फाउंडेशन और हमारे जो लड़के आमदार हैं मोहन भाव मते। गेंद हवा में और निश्चित तौर पर इस तरीके से बल्ले से गेंद निकल गई थी, छह रन की छाव गिरी थी, सीधा सुरेश भट्ट सभागुरु के तरफ गेंद को घुमा दिया था इन्होंने। बहुत लगातार छक्के की झड़ी लगा चुके हैं, पिछले ओवर में तीन छक्के, इस ओवर में और एक छक्का आता हुआ। काफी कश्मकश जद्दोजहद वाला है मुकाबला, दोनों टीम काफी शक्तिशाली है, इसलिए पहले 80 रन पर 79 पर रोका था और 80 रन का लक्ष्य दिया था। देखना है कितने ओवर में पूरे करते जी के आर के बल्लेबाज। ऐसे यदि तूफानी बल्लेबाजी करते रहेंगे तो 7-8 ओवर में तो खत्म करना चाहिए। लेफ्ट आर्म वर्ड बहुत ही शानदार, क्या मजा आया, क्या ध्वनि निकली बल्ले से, वाह इस तरह की ध्वनि आ निकली तो बहुत बड़ा मजा आता है। पांचवा छक्का लगा चुके हैं अभी, पांच छक्के लग चुके हैं, मैं काउंट कर रहा हूं कितने छक्के लगाते जी के आर वाले। एक बार थोड़ा स्कोर बता दीजिए मुझे। 34 रन्स बहुत ही अच्छी है। राइट, धुआंधार बल्लेबाजी हो रही है यहां पर।
बल्लेबाज तैयार, गेंदबाज तैयार, राइट आर्म ओवर द क्रीज, पैड को लगी और फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया, रन लेने का सवाल नहीं, डॉट बॉल, बिंदी गेंद, महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर के अल्फाजों में, शब्दों में, लफ्जों में, वर्ड्स में, बहुत ही शानदार बिंदी गेंद। अब जरूरी है बिंदी गेंद डालना, तब थोड़ा सा स्कोर रेट कम हो सकता है, इसलिए नफीतुली उम्दा गेंदबाजी का प्रदर्शन करना पड़ेगा गेंदबाज को। ओहो बहुत ही अच्छी गेंद, बिल्कुल समझ नहीं पाए वहां पर, बाकी का विकेट कीपर ने पूरा किया, डॉट बॉल, फिर से बिंदी गेंद, सामने वाले छोर की तरफ से गेंदबाज तैयार है। हमारे स्पॉन्सर का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बगैर स्पॉन्सर से इतना बड़ा आयोजन हो नहीं पाएगा। एस्मा फार्मक मिडी गाइड, सीजी सेल्स कॉरपोरेशन, धीर एजेंसीज, नीता एजेंसीज, राज सर्जिकल धंतोली, कुकरेजा ब्रदर्स, श्रीराम मेडिकेयर, उन्नति डिस्ट्रीब्यूटर्स, श्री स्वामी समर्थ इंटरप्राइजेस, मातुश्री मेडिशॉप और पुनीत मेडिकल स्टोर्स, सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। इसके साथ ही ओवर की समाप्ति हुई, तीन ओवर के चार ओवर हो गया, तीन ओवर के समाप्ति पर टीम का कुल स्कोर 34। दो विकेट के नुकसान पर काफी, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। निवासा द नेचर होम, रौनक मेडिकल स्पेशलिटी, दत्तात्रेय मेडिकल एजेंसी, शुभम मेडिकोस, विदर्भ सर्जिकल एजेंसी, मेडिक्राफ्ट, सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब चौथा ओवर कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से, पवेलियन के एंड की तरफ से डालने के लिए तैयार है, देखना है क्या गुल खिलाते हैं, कितने विकेट चटकाते हैं अपने इस ओवर में, यहाँ पर कितने रन लुटाते हैं, आने वाला समय बताएगा, समय बड़ा बलवान होता है। राइट आर्म ओवर द विकेट, बहुत ही अच्छी गेंद, पूरी तरह से चकमा दिया उस गेंद ने, काफी तेज निकली, बिल्कुल टिप्पा करने के बाद, बाउंस होने के बाद, समझ नहीं पाए बल्लेबाज पूरी तरह से। डॉट बॉल, फिर से बिंदी गेंद, अच्छी शुरुआत गेंदबाज द्वारा, वाइड, निश्चित तौर पर ऑफ स्टंप से काफी दूर थी, इसलिए अंपायर को हाथ खोलने का मौका मिला, अंपायर की एक्सरसाइज होती हुई बहुत देर के बाद हाथ खोलने का मौका मिला अंपायर को। एक अतिरिक्त रन स्कोर के काम 35 रन हो चुके हैं। छत्रपति शिवाजी प्रीमियर लीग सीजन 2 के बीच में आज का दूसरा दिन, बहुत ही अच्छी गेंद, फिर से थोड़ा सा ज्यादा ही बाउंस हुई, फिर से बल्लेबाज चूके पूरी तरह से, बाकी विकेट कीपर के दस्ताने में गेंद गई, कोई नुकसान नहीं, कोई रन में इजाफा नहीं, स्कोर रुका हुआ, थमा हुआ 35 रन। अपनी बॉलिंग, काफी लंबा रन ऑफ बॉलर का, ओहो क्या लगा दिया, 85 मीटर का छक्का, बहुत ही शानदार तरीके से कदमों का इस्तेमाल किया और सीधा उठा दिया साइड स्क्रीन की तरफ बॉलर के ऊपर से 6 रन के लिए, तेजी से उछलता हुआ, कूदता हुआ, दौड़ता हुआ, भागता हुआ, 41 रन बन चुके 41, दो खिलाड़ी के नुकसान पर। काफी खुशनुमा वातावरण यहाँ पर क्रिकेट के लिए, रेशिमबाग का मैदान, नर्सरी कही जाती है क्रिकेट की यहाँ पर, तीनों मैदान, दोनों मैदान पर जहां से खेलते खेलते हमारा बचपन गुजार गया है।
वाइड निश्चित तौर पर बिल्कुल आप सबसे काफी दूर थी, यदि छह स्टंप भी होती तो भी वाइड करार दी जाती थी, काफी दूर थी। और समझदार जो कि बल्लेबाज है उन्हें जाने दिया, एक गेंद और आ रही है तो किस लिए वालतू मेहनत करे। एक गेंद और एक रन की इजाफा हुआ, एक 42 रन हो चुके हैं 42। मुझे उठना भी नहीं पड़ा चेयर से, बहुत ही अच्छा शानदार, फिर कदमों का इस्तेमाल किया और उठा दिया शानदार तरीके से, 48 रन बन चुके हैं। क्या धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हो, वाह जी के आर वालिक, आपको हैट सैल्यूट ऑफ, बिल्कुल बहुत ही शानदार। सिर्फ छक्के में खेलते हैं, चौके में भी विश्वास नहीं रखते कुछ कुछ लोग, तो यहाँ पर पूरे ऊपर ऊपर आसमान के लेकर बिल्कुल हवाई जहाज की तरफ गेंद को भेज देते, सीधा जगुआर की तरफ जैसे भेजते, बिग विमान जैसा उड़ता है उस तरीके से तेज गेंद जाती है सीधी बाउंड्री के बाहर। 48 खराब गेंद लेकिन बहुत ही सूझबूझ के साथ खेला, फुल टॉस बनाना चाहते थे, हॉपर ली थी और इसका स्वीकार किया, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता 49 रन, 49 रन हो चुके हैं दो खिलाड़ी के नुकसान पर। काफ़ी तेज गति से रन बनाते हैं जी के आर वाले, और जिनके उनको बताओ बोले कितने ओवर में मैच खत्म करना है, 5 ओवर 7 ओवर 8 ओवर बिल्कुल लगा देते हैं वो। मुझे साथी कमेंटेटर ने कहा कि 11 के 11 बल्लेबाज है इसलिए कोई फिक्र नहीं है उनको। नहीं, इस टाइम 4 रन, इस टाइम 4 रन और इसी के साथ 50 रन पूरे, 53 रन, 53, दो खिलाड़ी के नुकसान पर। काफी कश्मकश और जद्दोजहद का कोई बाजू नहीं, आते बराबर झनाझन बाहर ही भेज रहे गेंद को, कोई भी बॉलर को उनको रोक नहीं पा रहा है। 53, इसके साथ ही ओवर की समाप्ति हुई, काफी महंगा ओवर साबित हुआ ये वाला भी। अब केवल 80 रन बनाना है, ज़्यादा बचे ही नहीं है, 27 रन रिक्वायर्ड फॉर द विनिंग टारगेट, 180 रन ओनली, क्योंकि हर मैच में 100-100 के ऊपर बन रहे थे रन, अब थोड़ा सा कम हुआ, 80 रन बन चुके, 70 रन बनाए थे पहले बल्लेबाजी करते हुए, अब 80 रन की चुनौती दी थी जी के आर को। बॉलर नेम राजेश, 49 थे ना, एक वाइट था, सब मेरे कैलकुलेट करता, मन में कैलकुलेट करता, इतना ख्याल रख। कितनी ओवर थे ना, ओवर कितने, 4 ना, ऐसे तो सुनना अब केवल 27 रन की दरकार है इस मुकाबले को जीतने के लिए जी के आर को। 4 ओवर की समाप्ति पर 53 रन, लेफ्ट आर्म ओवर द गेट, बहुत ही अच्छी तरह से कलाई के साथ से टर्न कर दिया था, बिल्कुल हल्के हाथ से खेला था लेकिन एक रन को रोक नहीं पाया बल्लेबाज को, आस्ते आस्ते और आंखों आंखों में इशारा किया सामने वाले के बल्ले का, अच्छा रिस्पॉन्स दिया बल्लेबाज ने और एक रन पूरा किया और 54 रन आता हुआ। अब गार्ड लेते हुए, नया गार्ड लेते हुए जो कि दूसरी गेंद 5वीं ओवर की, पहली बार बहुत देर के बाद एक गेंद डॉट, बिंदी गेंद, महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर के अल्फाजों में, शब्दों में, लफ्जों में, वर्ड्स, भारत में क्रिकेट धर्म की तरह पूजा जाता है और उसके भगवान है मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जी, भारत रत्न। यहाँ से गेंद गई थी कि सीधा रेखा के पहुंचा दिया, सीधा सूरज भट्ट सभागृह के पास की तरफ शानदार तरीके से, तेजी के साथ रन बनाने हैं बल्कि जरूरत नहीं उनको पर, लेकिन उनकी आदत पड़ी हुई जीके आर को तेज खेलने की, 160 रन बनाते हैं ये लोग,
इनकी बैटिंग देखी 150 रन 160 रन 10-10 ओवर बनाती हुई जी क्या देखा है मैंने। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, ओह थोड़ी सी गेंद हवा में जरूर थी भाई, इतनी भी हवा में नहीं, ओह रनआउट का मौका अच्छा था, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था, खुद गेंदबाज गए, थ्रो कर या थ्रो लगा नहीं, यदि थ्रो लगता तो कोई जरूरत नहीं थी तीसरे अंपायर की भी, अपने आप को ही वापस जाना पड़ता था, इतना आसान मौका था, कोई जल्दबाजी नहीं है फिर भी क्यों जल्दबाजी कर रहे हैं, बड़ा स्कोर अचीव नहीं करना केवल 80 रन अचीव करना है, इस विनिंग टारगेट इज ओनली 80। ओह डॉट बॉल बिंदी गेंद, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, उम्दा गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए थोड़ा सा रोक के रखा है बल्लेबाज को, खामोश रखा है ये 2-3 गेंदों में, टाक 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 टाक, इतनी हाइट थी, इतनी हाइट थी कि बिल्कुल बेर के समान गेंद दिख रही थी आसमान की तरफ, और केवल इसी वजह से ज्यादा दूर जाने से केवल 78 मीटर का छक्का लग चुका है, 78 ओनली 78 मीटर का छक्का लग चुका है, अब बिल्कुल थोड़ा सा ही रन बचे हुए, अब लगता मुझे 10-15 रन बचे होंगे, स्कोर एक बार थोड़ा सा दोहरा दीजिए, स्कोर बता दीजिए भाई, स्कोर बता दीजिए, 5 ओवर 66 रन 2 विकेट, 5 ओवर में 66 डबल छक्के 66 रन, अब केवल औपचारिकता ही बची है 14 रन और 5 यानी 30 गेंदों में 14 रन, कैलकुलेशन आप देख लीजिए किस तरीके से है, छत्रपति शिवाजी प्रीमियर लीग सीजन 2 के बीच में आज का दूसरा मुकाबला, शानदार दूसरा दिन और इस छठवा मुकाबला शानदार तरीके से, आज काफ़ी मुकाबले खेले जाना है, आज मुझे बताया आयोजक ने 12 मुकाबले खेले जाने हैं, अभी और 4 या 5 मुकाबले और बचे होंगे। बॉलर नेम विदर्भ सर्जिकल एजेंसी, धीर एजेंसी, सावड़ी एजेंसी, बॉलर नेम मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, बगैर स्पॉन्सर से कितना बड़ा इवेंट, इतना बड़ा आयोजन, क्रिकेट का कार्निवल कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्रिकेट कार्निवल जिसका रेशिमबाग में शुरू हुआ कल से, आदरणीय छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी प्रतिभा को अभिवादन करते हुए, जो कि 19 तारीख को उनकी जयंती मनाई जाएंगी, 390 साल पहले एक महापुरुष ने इस धरती पर जन्म लिया था, वही महान शिवाजी महाराज के स्मृति में ये आयोजन हो रहा है, छत्रपति शिवाजी प्रीमियर लीग, सभी अगली गेंद कैचेस विन मैचेस ले हो क्या जीतो मैच, पर यहाँ पर कोई तीसरा विकेट का पतन हुआ, तीसरा झटका मिलता हुआ, बहुत ही शानदार रौनक मेडिकल स्पेशलिटी लिबर्टी मेडिकल एजेंसी, सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, श्री स्वामी समर्थ एंटरप्राइजेस, पुनीत मेडिकल स्टोर्स, डिओ मेडिकल, ट्रिनिटी हॉस्पिटल, ओमेगा हॉस्पिटल, शेमेगर हॉस्पिटल, लोटस हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, आशियन किडनी हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर, सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब तीसरा विकेट का पतन हो चुका है और केवल अभी 14 रन की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए जीकेआर को, जीकेआर गिल्लुरकर नाइट राइडर काफ़ी तूफान बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है पूरी नागपुर शहर में, कई टूर्नामेंट उन्होंने जीते हैं जीकेआर के, मंगेश बोंद्रे बैट्समैन नेम, ओहो बहुत ही शानदार टर्न कर दिया, स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जाती हुई तेज आउटफील्ड, लेकिन उतनी खूबसूरत फील्डिंग की वहां पर, बिल्कुल डीप स्क्वायर लेग की तरफ, केवल 1 रन देने में कामयाब हुए और टीम का कुल स्कोर हुआ 67 67 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर, छठवां ओवर चलता हुआ, 6th ओवर टू प्रोग्रेस, 67 गार्ड लेते हुए नए बल्लेबाज बोंद्रे साहब, देखो बोंद्रे साहब कितने जल्दी मैच खत्म करते हैं, देखना पड़ेगा,
बॉलर तैयार है, गेंदबाज तैयार, बल्लेबाज तैयार, फील्डिंग की जमावट मिड ऑफ मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, फाइनली खिलाड़ी तैनात और इसी बीच में बोंदरी खेलने के लिए तैयार। ओहो डॉट बॉल, बिंदी गेंद, बिल्कुल मारना चाहते थे, कट करना चाहते थे, कलाई के सहारे से गेंद को लपेट रहे थे बोंदरी साहब, लेकिन गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं, बाकी विकेट कीपर ने पूरा किया। अब केवल औपचारिकताएं बची है, ऐसा बोले तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, केवल 13 रन की दरकार है। पैट पर लगी वहां पर बिल्कुल, लेकिन आंखों आंखों में एक रन चुराई लिया और लेग बाय का निश्चित तौर पर, मैं मुझे पता है पैट पर लगी थी गेंद, अंपायर काफी अनुभवी तजुर्बेदार अंपायर है यहाँ के वीसीए के, इसी वजह से उन्होंने बिल्कुल लेग बाय का इशारा दिया और स्कोर पहुंचा 68 रन। गोल, क्लीन बॉल, गोल गोल गोल, इसी के साथ एक चौथा विकेट का पतन हुआ बहुत ही शानदार तरीके से, अपने आप में बिल्कुल समझ नहीं पाए वो। अब केवल 13 रन की आवश्यकता है। न्यू बैट्समैन नेम प्लीज कन्वे न्यू बैट्समैन नेम। गुरु नानक एजेंसी के जगदीश भाई का आगमन हो चुका है, उनका मैं स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। पावन हुए पद देखकर सूरज हंस पड़ा आपको देखकर, आदरणीय सम्माननीय जगदीश भाई जी। बहुत शानदार तरीके से गेंद को टला दिया, एक रन की अच्छी फील्डिंग वहां पर, एक रन दूसरा रन और दूसरा रन पूरा के तेजी के साथ, अच्छी रनिंग मिटी दोनों बल्लेबाजों के बीच में, चीते के समान दौड़े और दो रन, जहां दो एक रन बनता था वहां दो रन बना पाए, बहुत ही शानदार जानदार रनिंग बिटवीन विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में, और इसी के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 70 रन। अब केवल 10 रन की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। बहुत ही शानदार मुकाबला, सोच से सितारे बदलते, नजर से नजारे बदलते मेरे दोस्त, कश्ती बदलने की जरूरत नहीं, दिशाएं बदल दो, किनारे अपने आप बदल जाएंगे, और किनारे बदलने का काम कर रहे जीकेआर की टीम। बैट्समैन नितिन सर नेम, नितिन शंभरकर जी, कुकरेजा ब्रदर्स, मातुश्री मेडिशॉप, इनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे सभी स्पॉन्सर की तरफ से, गुरु नानक एजेंसी के। माध्यम लोक सेवा प्रतिष्ठान चे श्यामराव भाऊ, दत्ता भाऊ आणि योगेश भाऊ, विश्वास भाऊ यांचं मैं तहे दिल से स्वागत करतो, वंदन करतो, अभिनंदन करतो, त्यांनी या मंचकावर येण्याची कृपा करावी मी। मंचनाव स्थानापन्न व्हावं अशी मी त्यांना विनंती करतो, आणि कुलदीप भाऊ यांचं मी स्वागत करतो, वंदन करतो, अभिनंदन करतो, पावन हुए पद देख कर सूरज हंस पड़ा आपको भी देख कर, क्योंकि बैठो मत, आइए सब मातुश्री के, बिल्कुल कमेटी के बिल्कुल सच्चे वीर योद्धा वीर मैं कहूँगा। लेफ्ट आर्म, बहुत ही अच्छी गेंद, विकेट कीपर के हाथ में गेंद के रन लेना चाहते थे, मना कर दिया, बहुत ही शानदार, अच्छा आयोजन किया है, बहुत ही शानदार मैदान। हरडे सर बॉल डालते वक्त कृपया बीच में मत बोलिए, थोड़ा सा स्वागत करना था इनका इसीलिए। खत्म होगी मैच, हो गया होगा खत्म, 80 रन बनाए होंगे ना, बन गए क्या 80 रन? पारस भाऊ, पारस भाऊ बॉलिंग रुका, 4 रन चाहिए, 4।
फिर से मारने की कोशिश, फिर डॉट बॉल, बिंदी गेंद सामने वाले छोर की तरफ से, चार विकेट का पतन हो चुका है। लेफ्ट आर्म ओवर द गेट टर्न कर दिया कलाई के सांस से, जब तक गेंद को फील्ड करते हैं एक रन लेने का मौका था, वो खुद होके गिरे गिरे, अपने आप गिरे है वो, क्योंकि स्लिप हो गए बिल्कुल, अपने आप गिरते थे, दाढ़ी लगती थी उसको, काफी दर्शक आज का इस संडे, और 670 लोग इस मुकाबले को देख रहे हैं, 670 लोग इस मुकाबले को टकाटक देख रहे हैं, क्योंकि जीकेआर की टीम है गिल्लूरकर नाइट राइडर्स। फिर से अच्छी गेंद, फिर डॉट बॉल, बिंदी गेंद, महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर के अल्फाज में, शब्दों में, लफ्जों में, बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर थर्ड मैन की दिशा में, एक बार स्कोर दोहरा दीजिए भाई। 18 में 3 रन लग रहे हैं। ओह बहुत टाइम है, टाइम टू टाइम, एक ओवर में 1 रन, आराम से खेलो, बिल्कुल कछुए समान भी खेले तो भी जीत जाएंगे आप। केवल 3 रन की दरकार है, केवल औपचारिकता बची हुई जीकेआर के लिए, कब तक खत्म करती, इस ओवर में शायद खत्म होने के मेरे चांसेस लग रहे हैं। कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से बॉलर कैप देते हुए अंपायर को, और धीरे धीरे कदमों से अपने बॉलिंग मार पर जाते हुए, नहीं 1 रन, अब केवल 2 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की जीकेआर ने, और जो लक्ष्य दिया था 8वें ओवर में पूरा होने जा रहे हैं, केवल 2 रन, अब देखो 2 रन कितने समय में इस ओवर में पूरे करते हैं, फिर और अगला ओवर लेना पड़ता। एक रन, जब तक तेजी के साथ रन आउट का मौका नहीं है, सीधे से सही सलामत स्कोर लेवल, स्कोर आल्सो लेवल, अब बेकल 1 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। गेंद को घुमा दिया और इसी के साथ ये जीत हुई शानदार तरीके से, 6 विकेट से अपने झोली में ये मुकाबला जीत लिया है। जीकेआर को बधाई, कांग्रेचुलेशंस।